मॉडल टाउन परिक्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट में अनियमितता बरती जा रही है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही शासन के निर्देशानुसार परिक्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट के लिए महिला समूहों को काम दिया जाता है, लेकिन इसका संचालन परिक्षेत्र के बाहर की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महीने में दो बार पहले और आखिरी मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट का वितरण किया जाता है, लेकिन मॉडल टाउन परिक्षेत्र अंतर्गत कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट के वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे कुपोषित, अति कुपोषित, सामान्य बच्चों सहित गर्भवती धात्री महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ की टीम द्वारा बीते 15 जनवरी को कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, कहीं भी रेडी टू ईट का स्टॉक देखने को नहीं मिला। जानकारी लेने पर सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं द्वारा गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसमें 390 मिला, 90 स्टॉक कितना बचा है अभी? स्टॉक बचा है 200 कुछ, मैंने 750 का होगा और 90 उसका है बचा है। तो मिला कब था आपको? 31 को। 31 को जी। 31 से अगर आज देखा जाए तो 15 तारीख का है जी। हाँ, 15 दिन में क्या पूरा स्टॉक खत्म हो गया जी? दो मंगलवार को बांटने रहता है मैडम, तो इस बार ना लास्ट, अब इसके बाद बंद हो जाएगा बोले, तो उसी हफ्ते में हमने 4-4 पैकेट दे दिए। बहुत चूहे हो गए हैं, खूब निकाल रहे थे इतना तो पैकेट वेस्ट होएगा, इसलिए बांट दिए। अभी आपके पास एक भी स्टॉक नहीं? नहीं। आंगनबाड़ी में आज उनको दाल चावल सब्जी दिए। रेडी टू ईट का क्या है प्रोसेस? रेडी टू ईट तो मंगलवार को बढ़ता है मैम। मंगलवार को जी। कितना दिए आपको इसमें? इसमें है ना मेरे को 750 का 280 और गर्भवती के लिए 80, धात्री के लिए 80, 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए 50। 750 वाला 50-60 पैकेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कम किस लिए? आपकी तबीयत खराब से उसका क्या संबंध? वही मालूम बाटी है वो, मतलब कम दिया गया क्या? कैसे बाटी है मैडम? वहाँ से कम दिया गया क्या जी? नहीं, वहाँ से कम नहीं दिया गया। तो आपके पास कम कैसे, बांटने के बाद में कम कैसे? अब मैं नहीं, नहीं रहने से सवाल। वहीं रेडी टू ईट के निर्माण की जिम्मेदारी परिक्षेत्र अंतर्गत संचालित महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी परिक्षेत्र के बाहर की महिलाओं को मिली है। आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट में हो रहे गोलमाल को लेकर पार्षद और महापौर परिषद में जल कार्य विभाग के प्रभारी केशव चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो परियोजना अधिकारी जी द्वारा जो राज्य शासन के माध्यम से जो रेडी टू ईट का स्व सहायता समूह महिलाओं को जो एक स्वरोजगार कहा जाए उनको दिया जाता है, लेकिन परियोजना अधिकारी द्वारा बाहर के जोन, बाहर के परिक्षेत्र के लोगों को दूसरे परिक्षेत्र में ला करके यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो शासन के नियमों के भी खिलाफ है, उनके विरुद्ध है। और यहाँ के भी महिलाएं बेचारी जो है बेरोजगार हैं और उनको भी यहाँ उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो स्थानीय महिलाएँ हैं, जो बेरोजगार हैं, जो रेडी टू ईट शासन के योजनाओं का जो लाभ उठाना चाहते हैं उनको इस क्षेत्र में उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो जिस क्षेत्र का है, जिस परिक्षेत्र का है, उन्हीं क्षेत्र के महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये परियोजना अधिकारी द्वारा पता नहीं यहाँ कहाँ पर से रेडी टू ईट का कार्य करवा कर बाहर से इनको लाभ प्रदान किया जा रहा है और यहाँ की महिलाएँ उपेक्षित है। तो मैं उनकी, परियोजना अधिकारी किस कार्य की मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और लोगों का रोजी रोजगार इसमें चल रहा है, लोगों का परिवार इस पर पल रहा है, उनके पेट में इनके द्वारा उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। तो ये न्यायपूर्वक यहाँ पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और परियोजना अधिकारियों का जो इस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक व्यक्तिगत अपने लाभ के कारण जो निर्णय लिया जा रहा है उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए। मैं शासन से ही निवेदन करता हूँ, धन्यवाद। बहरहाल रेडी टू ईट में हो रही गड़बड़ी की वजह से जरूरतमंद इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं, वहीं यह कुछ लोगों की कमाई का जरिया बन चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ आगामी दिनों में आंगनबाड़ियों सहित अन्य विभागों में हो रहे गोलमाल को उजागर कर शासन प्रशासन तक इसे पहुँचाने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहेगा।
ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।